हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्रेड अप। सो गाइस, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स के अंदर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टू डेज के जितने भी अपडेट्स हैं उनसे रिलेट करते हुए फैक्ट्स एंड फिगर एंड एग्जामिनेशंस क्वेश्चन के। सो आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज क्विकली मेंशन इन कमेंट सेक्शन सो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। ऑलराइट, यस। हां, सो काजल एंड स्वाइन, सरदना, प्रकाश, शिखा, विकी एंड ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप एवरीथिंग इज वेल विद योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल। ठीक है, सो इफ एवरीवन इज रेडी वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। यस, हां, विकी ने आपका मेंशन किया है कि कांग्रेस को आज के डेट में फाउंड किया गया था 1885 के अंदर। ऑलराइट, यस। हां, सो यस, हां, सो दीस आर सम टॉप हेडलाइंस। अच्छा गाइस, प्लीज क्विकली मेंशन इन कमेंट सेक्शन इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। सो इफ यू फेसिंग एनी इशू यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। सो दीज आर सम टॉप हेडलाइंस। इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवलेस ट्रेन जिसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आज के डेट में। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट फीफा अंडर 17 एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप जिनको पोस्टपोन किया गया एंड इवन दैट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और आपका गोल्डन जो सेंचुरी अवार्ड्स एंड अदर्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 और धर्म स्वतंत्रता बिल, सो देयर इज अ स्टेट जिसके द्वारा बिल पास किया गया, विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल एंड द की फीचर्स। एंड नेक्स्ट वन इज किसान रेल। सो किसान रेल फिर से आपका न्यूज में है। ठीक है, सो क्या फीचर एंड अदर्स हैं, व्हाट आर द की बेनिफिट्स एंड ऑल, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन। अगेन देयर आर फ्यू अपडेट्स फ्रॉम जल जीवन मिशन इनोवेशन चैलेंज जो कि इसके द्वारा लॉन्च किया गया एंड Globe Soccer Award 2020. I hope you guys are aware about these particular one. Okay. So these are some key updates for today's session. I'm good, Vicky, and all. Okay. Yes, huh? So I hope everything is okay now. Okay. एक बार जल्दी से आपका yes लिख दीजिए. If you all ready, then we can start this session. Okay. So this is a long weekend actually, and I hope आप सबका preparation अच्छा चल रहा होगा and you are in touch with your studies and even नेक्स्ट वीक के अंदर आपका इवन इन सेम वीक्स आपको जो कि आपके एग्जामिनेशन होंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच आर लाइन अप। यस, ऑल राइट, सो एवरीवन इज रेडी। यस, चलो। एंड अच्छा, जितने स्टूडेंट्स आपके सेशन को देख रहे हैं एक बार जल्दी से आपका सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक है, एंड फॉर स्टैटिक पार्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन विल हैव अ सेशन अबाउट अ नेशनल पार्क। ठीक है, सो अराउंड 20 क्वेश्चंस हम लोग नेशनल पार्क के करेंगे जो हम लोगों ने पहले नहीं किए थे। यस, हां, पीडीएफ अभिषेक जितने भी पीडीएफ होते हैं वो आपको जीके एडिटोरियल बाय ग्रेड अप, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप उस पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलेंगे। ऑलराइट, चलो। सो फीफा पोस्टपोन अंडर 17 एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप टिल 2023 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक और कोरोना वायरस। ठीक है, सो विच कंट्री विल होस्ट अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप, सो व्हाट विल बी योर आंसर। सो देयर इज अ अपडेट अभी एक दिन पहले आपको एक अपडेट जो हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अबाउट जो फीफा के जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, जो अंडर 17 एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, जिनको अभी पोस्टपोन किया गया, बेसिकली 2021 के अंदर इनको खेला जाना था एंड नाउ फीफा कम विद सम नोटिफिकेशंस कि इनको आपका 2023 तक के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि जो फीफा 20, जैसे फीफा अगर हम लोग बात करें अंडर 17 वर्ल्ड कप ये खेला जाएगा कहाँ पे, पेरू के अंदर। ठीक है, सो अंडर 17 जो होगा वो होगा आपका पेरू के अंदर एंड अंडर 20 कहाँ पे होगा, सो व्हाट विल बी योर आंसर। अच्छा, सो इंडोनेशिया विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, अंडर 20 आपका कहाँ पे होगा, आपका इंडोनेशिया के अंदर। एंड दैट फीफा वर्ल्ड कप 2021, ठीक है, जो नॉर्मल आपका जो मेजर फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी, दैट विल बी इन जापान। ठीक है, सो 2021 दिसंबर 2021 जब आपका ये जापान के अंदर खेला जाएगा। सो देयर आर थ्री इवेंट्स जिनको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। डेफिनेटली आयुष फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, माय आंसर विल यस। ठीक है, यस, हां, सो इवन देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर दिस वन, योर करेक्ट आंसर विल बी इंडोनेशिया। सो पेरू जहां पे आपका अंडर 17 एंड अंडर 20 जो कि इंडोनेशिया के अंदर खेला जाएगा, इवन जो पहला शेड्यूल था उसके हिसाब से भी और जो एज पर देयर न्यू शेड्यूल। ठीक है, सो ये आपका टीम या जो होस्ट कंट्री है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम। एंड जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है दैट विल बी इन जापान। ठीक है, सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर वन। सो दिस वर्ल्ड कप विल बी नाउ प्लेड इन 2023 विद इंडोनेशिया स्टिल होस्टिंग द अंडर 20 एंड पेरू
under 17. FIFA 2020 World Cup, Club World Cup, will be the 18th edition and hosted by Japan in 2021. So, अभी इसके regarding, already इसको आपको postpone किया गया था, but अभी SS कोई इसके लिए notification नहीं है, that will be on scheduled date, ठीक है, जो December 2021 का जो date आपका दिया गया for FIFA World Cup, that will be जो same time आपका होगा, उसी में इसको आपका conduct किया जाएगा. Alright, अब कल हम लोग ना जैसे if you guys watch that particular ceremony, अगर आप social media and others उनको follow करते होंगे नहीं, so even if you follow these particular stars on Twitter and others, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, there is a award ceremony and guys these particular name और देखो football जो कि world का सबसे famous game है, I hope you guys know about this, सबसे ज़्यादा fan following आपका जो football का, so कल आपका award ceremony भी conduct किया गया, global soccer award 2020, कल रात के अंदर generally आपके हुआ था, ठीक है, so जिसमें Ronaldo जिनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो देयर आर नंबर ऑफ नेम्स, ठीक है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से आपका सम्मानित किया, सो ईयर 2021 से 20 ईयर 2020, सो दिस पर्टिकुलर सेंचुरी की बात हो रही है 20 के लिए, ठीक है, सो फाइव टाइम नहीं विकी दैट बैलन डी ओर की अगर आप बात करें, सो इट्स फाइव टाइम, ठीक है, सो फाइव टाइम बैलन डी ओर विनर्स आपका जो ओवरऑल ऑनलाइन वोटिंग आपका इसके लिए कंडक्ट किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर वोटिंग के अंदर 42% की जो वोट है आपका वो मिले थे किसको, रोनाल्डो को, एंड अराउंड 20% जो कि मिले थे किसको, लियोनेल मेसी को, तो मेसी इसमें दूसरे नंबर पे थे रनर अप, बट विद 20% वोट, जबकि जस्ट हाफ है आपका रोनाल्डो के, सो रोनाल्डो, एंड सेकेंड वन इज पेप गार्डियोला जो कि आपका जिनको बेसिकली कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड जो दिया गया, सो दे आर टू नेम्स, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नंबर ऑफ अवार्ड्स विच आर इम्पोर्टेंट वन एज वेल, ठीक है, बट दीज टू नेम्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सो रोनाल्डो एंड पेप ये दो नाम, ठीक है, सो एक आपका बेसिकली player of the century and second one is coach of the century, and apart from that there are different awards as well, okay, so we'll go through these particular one, so ek baar jaldi se aapka inko go through kar sakte hain aap log, okay, so this is the list jisko aap log thoda sa go through kar sakte hain, but there are few things or few players which are very important, okay, for your recent examinations, so guys please try to remember, first Cristiano Ronaldo, player of the century, and coach of the century Joseph Pep Guardiola, second name, that is again quite important. Club of the century, Real Madrid, okay. So for last 20 years, okay, or for this particular century, club of the century award diya gaya aapka Real Madrid ko, okay. So top title winner of Middle East, Al Ahly, and player of the year, if you talk about player of the year, okay. So Robert Lewandowski, so Robert Lewandowski, player of the year, okay, and club of the year, that is Munich, and coach of the year, that is Hans Dieter Flick, and player career awards, these two players, okay, Iker and Gears. So this is the overall list, but so I would say ki these two names are very important, including Real Madrid as well. Okay. So these two or three names, jo top two, three names aapka, okay, try to remember these particular names. So for your recent examination, these are very important one. Okay. So aapko aise questions jo wahan pe dekhne ke liye mil sakte. Generally football ke upar ya FIFA ke upar pehle bahut zyada questions milte the, but now कभी भी स्पोर्ट्स सेगमेंट का क्वेश्चन होता है तो वो आपको मोस्ट ऑफ टाइम इमर्जिंग स्पोर्ट्स के ऊपर पूछता है विद रिगार्ड टू इंडियन एथलीट्स, बट ना ये जो अवार्ड्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर वन एज वेल, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी हैव नंबर ऑफ इवेंट्स, सो थोड़ा सा जल्दी से चलेंगे, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एनी नेम और एनी इवेंट्स यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, सो धर्म स्वतंत्रता दैट इज रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, सो देयर इज अ स्टेट हु रिसेंटली पास धर्म स्वतंत्रता दैट इज फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020, सो इवन देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आई होप यू गाइस रिमेंबर, सो इवन रिगार्डिंग दैट जैसे कई बार आप लोगों ने केसेस सुने होंगे ना कि जबरदस्ती किसी का धर्म आपका चेंज किया गया, सो दैट पर्टिकुलर एरिया, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए देयर इज अ स्टेट जिसने भी रिसेंटली इस बिल को आपका पास किया जिसको नाम दिया है धर्म स्वतंत्रता, जिसमें अगर कोई भी ऐसा फोर्सफुल
कन्वर्जन अगर होता है तो देर विल बी सम पेनल्टीज अबाउट 10 years, ठीक है। सो 10 साल तक का आपका पेनल्टी और या फिर 50,000 rupees तक का, 10 years तक का प्रिजन या 50,000 rupees तक का पेनल्टी जो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो विच स्टेट पास दिस पर्टिकुलर बिल, सो वट विल बी योर आंसर, योर राइट आंसर विल बी मध्य प्रदेश, ठीक है। सो मध्य प्रदेश विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, वेरी गुड गाइस। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने आपका करेक्टली आंसर मार्क किया, ठीक है। सो धर्म स्वतंत्रता और रिलीजियस फ्रीडम इज रिगार्डिंग जो यू कैन ऑप्ट एनी रिलीजन, एंड जो देयर आर सम केसेस जो कि फोर्सफुल कन्वर्जन के ऊपर आपका आते हैं उन सभी को कॉम्बेट करने के रिगार्डिंग, ठीक है। सो देयर विल बी सम पेनल्टी एज वेल, ठीक है, जैसे 10 years and 50,000 rupees fine जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो वेमेन इंक्लूडिंग वेमेन एंड देर आर सम अदर एरियाज लाइक माइनर्स ग्रुप्स और दीज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सो ऐसे कोई भी एरिया के अंदर इवन एनी पर्सन, ठीक है। सो अगर कोई भी ऐसा केस आता है इवन ड्यूरिंग योर फैमिली रिलेशंस एज वेल, ठीक है। सो फैमिली के अंदर भी अगर किसी को फोर्सफुली ये चीजें आपका बोली जाता है दे कैन ऑल्सो अप्रोच टू देयर कोर्ट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बिल वी कैन fight for justice and all, ठीक है। All right, so there are some updates from Madhya Pradesh and just जिनके द्वारा कल परसों ही ये जो बिल आपका पास किया गया। All right, so the new act will replace the Freedom of Religion Act 1968 in the Madhya Pradesh and the state of Madhya Pradesh, ठीक है। So previously जो भी यहाँ पे जितने भी ऐसे religious affairs आपके थे that is totally handled through this Freedom of Religion Act 1968. Now this will be replaced by Dharm Swatantra or Religious Freedom Bill 2020. All right? Yes, हाँ. Everyone clear? समझ में आया सबको, ठीक है। So this is again simply I would say to the points जिसको आपको ध्यान रखना है. And apart from that, there are few act that is mentioned for your Madhya Pradesh local examination, state government examination, you know, ठीक है। So for like bank SSC or CDS and others, आपको basic जो points है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. Next question again. चलो next question. Prime Minister Narendra Modi will flag off which number of किसान रेल from संगोला महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो किसान रेल, आई होप यू गाइस अवेयर अबाउट दीज पर्टिकुलर टर्म्स, ठीक है। सो कृषि उड़ान और किसान रेल, सो दीज आर अनाउंसमेंट फ्रॉम यूनियन बजट 2020, ठीक है। सो यूनियन बजट 2020 के अराउंड आपका, ठीक है। सो ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन बजट 2020, सो देयर आर टू फैसिलिटीज, वन फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दैट इज किसान रेल, एंड सेकंड वन इज कृषि उड़ान फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो बेसिकली जो फार्मर्स के जो प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेशली दैट पेरिसेबल गुड्स, तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए एंड विद अ सुटेबल एटमॉस्फेयर, मतलब जो रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर्स जिनका भी रिक्वायरमेंट्स होता है उन सब के लिए। सो देयर आर नंबर ऑफ किसान रेल्स व्हिच आर रनिंग एज राइट नाउ, ठीक है। सो इवन द फर्स्ट वन, इवन इफ दिस पर्टिकुलर इमेज इज क्लियरली विजिबल, सो जो पहला किसान रेल था वो आपका देवाली नासिक से लेके दानपुर पटना के बीच में, एंड इवन जो फेयर आपका होता है ना, जो किराया आपका होता है, उसमें 50% का आपका कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे किसको, फार्मर्स को, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ किसान रेल, देयर विल बी अ कंसेशन ऑफ 50% ऑन देयर ओवरऑल फ्रेट एंड अदर्स, ठीक है। सो जो भाड़ा आपका होता है या फिर जितने भी जो हम लोग आपका जो पूरा सामान जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फार्मर्स के लिए, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो किराया होता है उसमें भी छूट आपका दिया जाता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो एक सुटेबल एटमोसफेयर आपका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे लाइक फॉर देयर आर फ्यू पेरिसेबल गुड्स लाइक मिल्क एंड अदर्स जो खराब हो जाते हैं, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर्स या इवन बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड अदर्स जिनके लिए वो एटमोसफेयर आपका देखने के लिए मिलेगा आपका। All right, so this will be handed, ठीक है। So this will be handed. So 100वें नंबर का आपका ये जो आज के डेट में जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो पीएम टू फ्लैग ऑफ हैंडेड किसान रेल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो ये आज का न्यूज है गाइस, दिस विल बी लॉन्च टुडे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। एंड द रेल विल बी बिटवीन संगोला एंड संगोला महाराष्ट्र एंड शालीमार वेस्ट बंगाल, ठीक है, दो स्टेशन जिनके बीच में आपका चलेगा एंड उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी फार्मर्स एंड अदर्स हैं जिनके लिए आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। सो कैरी वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर्स कैप्सिकम कैबेज ड्रम स्टिक्स चिलीज अनियन एंड इसके अलावा देयर आर सम फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स अनियन पोमोग्रेनेट
एंड इसके अलावा बनाना कस्टर्ड एप्पल एंड अदर्स। सो ये जितने भी आपके हैं सभी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में ये मदद करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन, ठीक है। फर्स्ट किसान रेल जो कि आपका देवली टू दानपुर, ठीक है, सेन अभी इसको आपका एक्सटेंड किया गया था मुजफ्फरनगर के। सो 7 अगस्त आपका जबकि पहला किसान रेल जिसको इनॉग्रेट किया गया था। अगेन प्लीज डू रिमेम्बर दीज पर्टिकुलर अपडेट, फर्स्ट एंड द रिसेंट वन। चलो नेक्स्ट वन आपका नेक्स्ट न्यूज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो अच्छा गाइस प्लीज डू फोकस, ठीक है। अभी ये जो कहां से है ये एंड ऑल जो डेटा है इसको आराम से बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो यस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु हैज लॉन्च ई संपदा वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑन गुड गवर्नेंस डे, इट मीन्स 25th of December 2020। सो 25th December 2020 देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स, so we which we already covered, but there are few other updates as well, okay. So that is e-sampada web portal and the mobile applications regarding the allotments of government buildings and all, okay, jitne bhi houses and all hote hain in survey ke liye. So kiske dwara isko launch kiya gaya, Hemlata is saying ki Hemlata Prince and Vicky हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, जिन्होंने भी आपका मेंशन किया। सो हरदीप सिंह पुरी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं है, ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज लॉन्च बाय हरदीप सिंह पुरी। इवन यहाँ पे मेंशन भी है ना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट, सो दैट विल वर्क टुवर्ड द ओवरऑल अलॉटमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स और हाउसेज और द गवर्नमेंट प्रेमिसेस इन ऑल। सो द एप्लीकेशन प्रोवाइड अ सिंगल विंडो फॉर ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग अलॉटमेंट फॉर over 1 lakh government residential accommodations, office space allotments to government organizations in 45 office complexes in 28 cities, and booking of 1,176 holiday rooms, holiday home rooms, ठीक है। So ये these are some complexes or these are some buildings which are owned by government of India, ठीक है। So इनका जो overall आपका allotment है और that leasing or others, तो उसका एक proper एक transparency उसके अंदर आपका रहे उसके regarding इस particular application और इस particular website को आपका launch किया गया। So that is e-sampada, ठीक है। So single online platform for overall जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टेट सर्विसेज हैं, ठीक है। सो दैट विल मैनेज द एस्टेट सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पोर्टल प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटी टू यूजर अक्रॉस इंडिया टू लॉज कंप्लेंट सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड अपेयर फॉर वर्चुअल हियरिंग, ठीक है। सो अगर इफ यू पार्टिसिपेटेड इन इफ यू बिड फॉर एनी हॉलीडे होम्स और एनी बिल्डिंग इन अदर्स, ठीक है। सो इफ यू फील कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन अदर्स, यू कैन लॉज योर कंप्लेंट्स एज वेल, ठीक है। एंड इवन you can part in this particular bid through online and you can verify your documents through online portals and others. So e-sampada, that is something regard to the government of India estate services, and this will provide urban station solutions to all. So virtual hearing means online hearings, okay. So Rupesh, it is online hearing. Let's suppose if you have some problem with that particular system or if you face some corruption in others, you can file your complaint by using this particular mobile application or this website, okay. So after that there will be a hearing, so you can participate in that particular hearing on a e-mode or by using video conference in others. So that will known as that is known as e-hearing, okay. All right, chalo, next one. Next news on your screen, guys. That is about देखो अपना देश वेबिनार। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, सो द रीसेंट वेबिनार ऑन सीक्रेट एंड डिलाइट्स ऑफ इंडियन क्यूजीन, सो दी डिफरेंट फूड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जिसके ऊपर आपका ये वेबिनार कंडक्ट किया गया ऑन 26th of December 2020, ठीक है। सो देखो अपना देश, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिस इज द पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिसके अंदर ये आता है, एंड हु इज करंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। सो योर आंसर विल बी प्रहलाद सिंह पटेल, सो प्रहलाद सिंह पटेल विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। सो जो रिसेंट आपका कंडक्ट किया गया अबाउट सीक्रेट्स एंड डिलाइट्स ऑफ इंडियन क्विजीन, तो जो भी डिफरेंट क्विजीन्स आपके होते हैं ना, लाइक इन नॉर्थ देयर विल बी डिफरेंट फूड
for breakfast, for lunch, for dinner. If you are from south, so यहाँ का breakfast कुछ अलग होता है, lunch कुछ अलग होता है, dinner कुछ अलग होता है. Like हर एक state के अंदर even there will be some diversity. ठीक है, आपको अलग अलग food and others जो देखने के लिए मिलता है. So उसी को आपका present करने के लिए, जिससे कि यू कैन वॉच कि कैसे आपका पूरा सारी चीजें होती है, इवन दैट विल ऑल्सो हेल्प टू टूरिस्ट एंड अदर्स जिनको जो कहीं ना कहीं इसको आपका चेक कर सकते हैं. सो देखो अपना देश सीरीज हाईलाइटेड द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुली डाइवर्स कल्चर ऑफ द कंट्री एंड एक्सपोज द स्प्रेड ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन एंड देर आर नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि इस पर्टिकुलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट अपडेट. सो देर आर नंबर ऑफ अपडेट्स. आज के जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट ऑफ दीज आर टू द पॉइंट्स. ठीक है, सो टू द पॉइंट्स हम लोग इनको लिख के चलेंगे. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी एरिया यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली आंसर द करेक्ट मार्क योर करेक्ट आंसर इन कमेंट सेक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो ये बहुत बार पूछे जाते हैं. नेशनल जल जीवन मिशन लॉन्च इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल डिवाइस टू टेस्ट ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. सो जो भी आपका जो ड्रिंकिंग वाटर आपका होता है बेसिकली, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए एक कैंपेन, ठीक है, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए डिवाइसेस बनाने के रिगार्डिंग देयर इज अ कैंपेन व्हिच इज लॉन्च्ड बाय नेशनल जल जीवन मिशन. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज जल जीवन मिशन इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन पार्टनरशिप विद स्टेट टू एनेबल एवरी रूरल होम टू हैव टैप वाटर कनेक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स. सो व्हाट विल बी योर आंसर. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से, कि अभी तक ये आपको पता होना चाहिए. एंड अगर नहीं पता है तो गाइस प्लीज डू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर टारगेट ईयर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो द न्यूज इज अबाउट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इनोवेशन चैलेंज, जिसमें बेसिकली जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सभी को इनवाइट किया जाएगा. ठीक है, सो लेट्स इफ यू हैव सम डिवाइस जिससे आप वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, यू कैन प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डिवाइस. ठीक है, सो बीइंग अ स्टार्टअप इफ यू बिल्ड सम if you build some such devices, so you can present them to National Jal Jeevan Mission and they'll identify and then they'll use for that particular device for these water testing and others. Okay? Yes, there is a confusion between two answers. First one is 2024, which is the correct answer for this particular one. 2030 aapka iske liye nahi hai. There are number of targets jo 2030 hai, like net for Indian Railway, net zero carbon emission and others. Okay? But for this particular one, your answer should be 2024. Okay? So guys, please do remember this particular year. So 2024 will be right answer for this particular one. Okay? So there is an image from PIB. If you, agar aap isko dekh pa rahe hain, okay? So Jal Jeevan Mission ka overall aapka jo uses hai, that is mentioned in this particular image. So 2024, jab tak aapka बेसिकली जो भी टैप वाटर एंड जो भी जितने भी आपका जो जो प्योरिफाइड वाटर है उस सभी को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग. सो देयर इज अ मिशन दैट इज कॉल्ड वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इनोवेशन चैलेंज, जो कि रिसेंटली आपका लॉन्च किया. ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर गाइस. सो देयर आर टू थिंग्स, द न्यू चैलेंज एंड नेक्स्ट वन इज जो टारगेट आपका. ठीक है, सो जिनको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ओके गाइस, क्विकली आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी वन. ठीक है, सो बहुत समय से फ्रॉम February 1st, 2020. ठीक है, सो जब से ये जो टारगेट्स है ना, इनको आपका चेंज किया जा रहा है. ठीक है, दिस इज फ्रॉम February 1st, 2020 ड्यू टू COVID-19. ठीक है, सो COVID-19 के चलते हुए जो प्रीवियस डेट था, डेट इज कि जैसे February 1st, 2020 तक आपका जो भी लाइसेंस जिनको आपका अपग्रेड करना था उस डेट के बाद, तो उनको 31st इवन देर आर फ्यू डेट्स जिनको जुलाई देन आपका दिसंबर एंड अदर्स पोस्टपोन करते गए हम लोग. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ व्हीक्यूलर डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, RCs, परमिट्स टिल विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. सो व्हाट विल बी योर आंसर. योर आंसर विल बी 31st of March. ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 31st of March 2021. यस, ऑलराइट, यस, सो 31st of March 2021 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. सो 31 मतलब 1 फरवरी 2020 से लेके
31 मार्च 2021 तक के बीच में, अगर आपका कोई भी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या आरसी अदर्स ऐसा कोई भी एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो वो आपको उसको ऑटो रिन्यूअल प्रोवाइड किया गया टिल 31 मार्च 2021 एज पर द रिसेंट नोटिस, ठीक है। तो ये आपका रिसेंट नोटिस के हिसाब से जो नया डेट आपका दिया गया, ठीक है। सो द रीजन बिंग COVID-19 पेंडेमिक एंड अदर्स, ठीक है। सो जहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मतलब जाना टू विजिट दिस पर्टिकुलर ऑफिसेज इन अदर्स दैट इज क्वाइट टफ, सो जिसके चलते हुए ये आपका किया गया। सो 1 फरवरी एंड द ओवरऑल जिनका एक्सपायरी आपका 1 फरवरी 2020 था उसके डेट के बाद के लिए ये सभी आपका एप्लीकेबल होगा। यस, नितिन गडकरी शाली जिन्होंने आपका मेंशन किया, जो कि बेसिकली उसको आपका देखते हैं। सुष्मिता, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो देर आर फ्यू न्यू स्टूडेंट्स इन टूडे सेशन, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी वन, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग 100% राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वट विल बी योर आंसर? सो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च सेहत स्कीम टू ऑल रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। So this will cater about the overall all residents, mean about 21 lakhs residents from Jammu and Kashmir. What is the per family per year insurance cover? So this is also known as Pradhan Mantri PM JAY, the Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Sehat Scheme. So what will be your answer? Your right answer will be option D. Option D will be right answer for this particular one. 5 lakhs. Why are you mentioning 1 lakh rupees, guys? So it should be 5 lakh, na? So Pradhan Mantri, jiska pura scheme ka naam kya, that is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is a health insurance scheme, jahan pe basically पर फैमिली पर ईयर आपका 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, बट दैट इज फॉर वीकर सेक्शन ओनली, ठीक है। दैट इज एज पर सेंसस 2011 जो भी 10.74 करोड़ आपका पुअर हाउस होल्ड थे उसी को उसका बेनिफिट मिलता था। नाउ जो जम्मू एंड कश्मीर के सभी फैमिलीज को इसका हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, तो हमने क्या करा, इसके अंदर PMJAY सेहत वर्ड आपका ऐड कर दिया। सो बाय एडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, दिस पर्टिकुलर स्कीम विल फैसिलिटेट टू ऑल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज अबाउट 21 लैक्स। सो लिमिट विल बी सेम, दैट इज 5 लाख रुपीज पर लिमिट, ठीक है। ऑलराइट, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लिमिट एज वेल, ठीक है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। So PM launch Ayushman Bharat PMJAY Sehat to extend coverage to all residents of Jammu and Kashmir. Right now only 6 lakh families of this state are getting the benefit under Ayushman Bharat. Now 21 lakh families will get benefit for the same. Okay. So this is clear, guys. So there should be no confusion between PMJAY and that Sehat word. Okay. So Sehat jisko add kiya gaya, जिससे कि जो अदर्स मतलब जो नॉन वीकर सेगमेंट्स है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सभी को इसका आपका बेनिफिट मिल सके। ऑलराइट, यस और नो, इट इज क्लियर? सो ही सेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड टू एम्स एंड टू कैंसर इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो बींग बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 नए एम्स कॉलेजेस एंड 2 कैंसर हॉस्पिटल्स जिनको भी आपका आने वाले समय में बिल्ड किया जाएगा। ऑलराइट, दिस इज क्लियर? वेरी गुड। सो गाइस, दोज हु आर वाचिंग सेशन, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आपका सेशन को देख रहे हैं एक बार जल्दी से आपका शेयर करें, ठीक है। ऑलराइट, यस, हां, देयर आर फ्यू स्टूडेंट वैभव सर्जना एंड अदर्स, उन्होंने आपका दैट फुल फॉर्म मेंशन किया, आई मिस्ड दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। वेरी गुड, ऑसम गाइस, ठीक है। जागृति, वेरी गुड मॉर्निंग, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करें। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। सो रोज आपका 70-80 इसी रेंज के अंदर रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों? इंडियन रेलवे प्राउडली अनाउंस द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट कोच सेल बाय द मर्थवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। It is located in which of the following state? So 2 years ago, this particular rail coach factory, which is announced by this Ministry of Railway or Indian Railway, so जिसको आपने 2 साल पहले ही लगाया था, and अभी recently इसके द्वारा पहला जो रेल कोच है उसको आपका manufacture किया गया, so that's why this particular rail coach factory is in news. So ये कहाँ का है? So answer will be Maharashtra. So Maharashtra will be right answer for this
particular one. Okay. So Marathwada Rail Coach Factory, that is located in Maharashtra, that will be right answer. And रेल विकास निगम जिसके द्वारा इसको टू इयर्स बिफोर आपका जो कि इसको लगाया गया था एंड अभी जिसके द्वारा पहला जो कोच जो कल के डेट में इवन जो कि इसके द्वारा हैंड ओवर किया इंडियन रेलवे को, तो दैट्स व्हाई दिस इज इन यूज. सो थोड़ा सा ध्यान रखें स्टैटिक पॉइंट्स जो यहाँ से आपका बनता है सो आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट वन स्किल मिनिस्ट्री एंड टाटा लॉन्च फर्स्ट बैच ऑफ टाटा Indian Institute of Skills, so that will be known as Tata Indian Institute of Skills in factory automations and digital manufacturing. The institute is located in which of the following city? So there is a new institute जो कि अभी recently built हुआ, ठीक है? So जिसका tie up किसके साथ आपका Skill India के साथ. Basically Skill India ने इसके साथ tie up किया. That is इसको जाना जाएगा किस नाम से आपका Tata IIS. So that will be known as Tata IIS या Indian Tata Indian Institute of Skills के नाम से जिसको आपका जाना जाएगा. So this particular one is located in which of the following city? So what will be your answer? This is located in Mumbai as well. Okay. So DISC, even if you guys aware about that particular college DISC, so that is again in Mumbai. Okay. और ये भी आपका कहाँ पे है? मुंबई के अंदर. So the first batch जिसमें आपका जो भी Tata IIS मुंबई offer 75% scholarship to a first-handed student as early bird incentive. So again guys, ये जो institute है ना ये काफी मतलब आने वाले समय में आपको काफी बार इसको न्यूज में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? So if you go through that, the overall fundamentals of this particular institute, so जो planning आपका हुआ है and काफी अच्छे ढंग से इसको build किया गया है, ठीक है? So first batch will include two short-term courses. These are फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जिनके ऊपर आपका पहले बैचेस कंडक्ट किया जाएगा एंड जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके 75% का स्कॉलरशिप भी यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा. सो टाटा भारतीय कौशल संस्थान मुंबई दैट इज द इंस्टीट्यूट प्लान टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन हाईली स्पेशलाइज्ड एरियाज सच एज डिफेंस ऑयल गैस aerospace and other emerging business like artificial intelligence 5G and others. So these are some areas jahan pe आने वाले समय में ये कॉलेज आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है? सो इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है? सो कोलैबोरेशन आपका यहाँ पे टाटा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, सो जिनके बीच में आपका जिनके द्वारा मिलकर इसको स्टार्ट किया गया. सो अगेन प्लीज डू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर वन एज वेल. नेक्स्ट अपडेट, सो आज एक और इनॉग्रेशन आपका किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. दैट इज So India's first ever driverless train operation in which of the following metro? So कहाँ पे ये होने वाला है? Prime Minister Narendra Modi will inaugurate India's first ever driverless train operation in which of the following metro? So एक metro station आपका जहाँ पे driverless train आपका start किया जाएगा, that is a part of Magenta Line. If you belong to that particular city, आपको ये image देख के समझ में आ रहा होगा, this is a part of Magenta Line, ठीक है? So कहाँ पे होगा? So what will be your answer? The Delhi Metro, ठीक है? So Delhi Metro जहाँ पे इसको आपका inaugurate किया जाएगा. So Prime Minister Narendra Modi to inaugurate India's first ever driverless train operations, Delhi Metro's Magenta Line between Janakpuri West to Botanical Garden, the Pink Line. So between these two lines, Magenta and Pink Line का जो connectivity है, stations are the starting Janakpuri and ending is Botanical Garden. ठीक है? So इन दोनों के बीच में इस particular line को आपका inaugurate किया जाएगा and mid 2020 तक आपका basically ये जो पूरा आपका working में आएगा. ठीक है? So Delhi Travelers means रोहित आपका जैसे अभी अगर अगर आप कभी भी जैसे कोई मेट्रो से या ट्रेन से विजिट करते हैं, देयर आर सम ड्राइवर्स ना, ठीक है? सो अभी क्या होगा, वी डू नॉट नीड ड्राइवर्स इन अदर्स, ठीक है? जो पायलट आपके होते हैं, पायलट एंड लोको पायलट जनरली, सो उनके लिए, सो दीज आर बेसिकली जो जैसे ड्राइवलेस कार्स होती है ना, गियर्स एंड अदर्स इन सब. अब ऐसा नहीं कि हमें ड्राइवर नहीं चाहिए, ठीक है? वी नीड ड्राइवर्स, बट हाँ जो ओवरऑल जो ऑटोमेटिक जिनको हम लोग बोलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक कार्स आपके होते हैं इन सेम रो. So the Prime Minister will also inaugurate the fully operational National Common Mobility Card services on Airport Express Line. So aaj hi ke din aapka ek aur cheez, to that is a National Common Mobility Card ya Mobility Card services, the Common Mobility Card services
जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे आपका है। जैसे अगर आप कभी भी जैसे इफ यू से राजीव चौक से एयरपोर्ट आते हैं तो जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, ठीक है, सो उसके लिए आपको बेसिकली अगर आपके पास जैसे मेट्रो कार्ड से अदर्स नहीं है, यू कैन पे थ्रू दिस पर्टिकुलर कार्ड एज वेल। सो अगेन जिसको भी आपका यहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की द्वारा, यस हाँ ऑनलाइन। चलो सो दीज आर अराउंड 12 टू 13 मेजर अपडेट्स फॉर टुडेज सेशन। नाउ विल कम्स टू आवर स्टैटिक पार्ट। सो स्टैटिक पार्ट देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क विल वर्क ऑन नेशनल पार्क टुडेज सेशन। सो जितने भी स्टूडेंट्स आपका सेशन को देख रहे हैं गाइस, एक बार जल्दी से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, सो जिससे कि और स्टूडेंट्स भी हमें आपका ज्वाइन कर सके। ऑलराइट, ठीक है, सो इमेजिन दिस इज अ पार्ट ऑफ ओके ऑलराइट नो वरीज, ठीक है, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना उसके नहीं चलती है, ठीक है, उसके लिए भी आपको ड्राइवर चाहिए होता है। ऐसा नहीं है ड्राइवर आपका कार होता है ना, देर आर फ्यू कार जिनको हम लोग बोलते हैं ड्राइवरलेस कार, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर उसमें नहीं चाहिए, ड्राइवर चाहिए होता है, बट देर आर सम सिस्टम जो ऑटोमेटिक आपका होता है। ऑलराइट, यस, सो एक बार जल्दी से आपका सेशन को शेयर जरूर करेगा, देन विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स आपका सेशन को देख रहे हैं। So first question on your screen. So what will be your answer? I miss NDA wale students ka queries. So jaldi jaldi se answer kare, and if you guys have some queries, you can mention in comment section as well. Okay? So yes, so first question, Ranthambore, that is located in. So what will be your answer? Rajasthan. Rajasthan will be right answer for this particular one. Second one is Gorumara National Park. So Gorumara National Park, very good. Okay. अभय सुनील एंड 007 मानसी सुनील योगेश एंड ऑल वेरी गुड गाइस ऑसम देवती एंड ऑल। सो जल्दी जल्दी से आंसर करें, व्हाट विल बी योर आंसर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गोरुमारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को साइट एज वेल, यस हां वेरी ट्रू, जिसने भी आपने लिखा है, ठीक है, सो वेस्ट बंगाल विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन। नेक्स्ट वन, Pin Valley National Park is located in which of the following states? So what will be your answer? Poonam is saying something. Okay, all right. So Adarsh, very good. Haan. Manjunath, Prashant, and all. Guys, please do share this session as well. Okay. So apne friends ke saath thoda share bhi kare, jisse aur students bhi hume join kar sake. So Pin Valley, that is located in Himachal Pradesh. So Himachal Pradesh will be right answer again. It's a beautiful destination. Okay. So Pin Valley, that is a part of Himachal Pradesh. Next one. Okay, Prakash, definitely will work on that particular one. Okay, so jaise abhi aapka prelims ka exam ho jana, I'm waiting that particular prelims examinations, then we'll have number of session as well. Chalo, for next one. Namdafa National Park is located in which of the following states? So what will be your answer? Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh will be right answer for this particular one. Very good. So Namdafa, that is a part of Arunachal Pradesh. Next one. Dibru-Sikowa, again very easy one. Again. So Dibru-Sikowa National Park is located in which of the following state? So what will be your answer? Assam, yes. So Dibru-Sikowa, that is a part of Assam. Okay, so Assam will be right answer for this one. So Dibru-Sikowa National Park, that is a part of Assam. Next one, Valley of Flowers, again very beautiful place there. So abhi aapka, if you visit at the time, okay, agar wahan ja sakte to, that is quite tough. So pura jo area, that will be aapko wahan pe pura flowers hi flowers milenge, okay? So that is a part of Uttarakhand. Okay? So Valley of Flowers, Uttarakhand will be right answer for this particular one. All right. So Uttarakhand option A will be correct answer. Next one. Sultanpur National Park, previously known as Sultanpur Bird Sanctuary. Okay? So that is located in which of the following state? So what will be your answer? So city is Gurugram. Yes, haan, phoolon ki ghati bolte hain aapka. Very good. आपका लिखा है, सो यस हरियाणा, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा, सो सुल्तानपुर बर्ड्स सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दैट इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट वन, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क
is located in which of the following state of India? So what will be your answer? No, Craig, जल्दी से आंसर करें तीन. I'm waiting for first answer. ठीक है, जिसका भी आंसर पहला आएगा, we'll go through. Yeah, we'll move on. Yes, Meghalaya, Sardana and Jagriti का आंसर बहुत पुराना आ रहा है. ठीक है, yes, Meghalaya will be right answer for this particular. Ashutosh mentioned that particular one. Sika, Vicky, and all very good. Next one, Simlipal again very easy one. Team Simlipal. So Simlipal National Park. So what will be your answer? Simlipal, Odisha. There is Simlipal, Assam. I'll go for Assam. Okay, someone is saying Haryana as well. Yeah. Or few students are saying ki Odisha will be right answer. How come? Simlipal is a part of Odisha or Assam. I'll go for this one. Please cross check this question. Yes, हाँ. तो हमारे पास तो option ही नहीं है ना. There is something, some glitches, I think. Yeah. So, guys, please do cross check this particular question. Yeah. So, as per this Assam, yes, it should be Odisha, I think. Yeah. Yes. So, similarly, Pal, ek baar isko cross check kariyega. Next one, Nameri National Park. Okay, haan. So, I think kuch options ko set karne mein problem hoga. Yeah. So, Odisha will be right answer for that particular one. Similarly, Pal, that is Odisha. Next one, Nameri National Park, Nameri. That is a part of. चलो next उसके ऊपर आते हैं. Nameri is a part of Assam. Yes, हाँ. So Nameri, that is Assam. Option C will be right answer. Yes, हाँ. Chandoli National Park. क्या होगा correct answer? Chandoli National Park. Odisha, okay, हाँ. Manchi and all. Very good. Next one, Chandoli National Park, that is the part of B, Maharashtra. Yes. So Maharashtra will be correct answer for this particular one. Okay. Chandoli, that is a part of Maharashtra. Next one, Belta National Park. I think Belta National Park, जिसको हम लोगों ने पहले भी discuss किया था in last session. ठीक है, last session एक session और जिसमें मैंने आपको national park कराए थे. ठीक है. So, Belta, जिसको हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कस किया था, दिस इज अ पार्ट ऑफ झारखंड. यस, हां, वेरी गुड. सो बेल्टा नेशनल पार्क, दैट इज अ पार्ट ऑफ झारखंड नेशनल. ठीक है, झारखंड. यस, नेक्स्ट वन, गिर फॉरेस्ट. दिस इज अ वेरी इजी वन. ठीक है, सो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? सो योर आंसर विल बी गुजरात. सो गिर फॉरेस्ट गुजरात. यस, ई, very good. So Gir Forest National Park, that is a part of Gujarat. Next one, Indravati National Park. Next one, Indravati National Park. So Indravati National Park kahan pe hai, jaldi se batayenge. Indravati, that is a part of Chhattisgarh. Option A will be right answer for this particular one. Very good. So next one, Rajaji National Park, very easy one. Take him. So Rajaji National Park. So Jim Corbett National Park यहीं पे and Rajaji भी. So what will be your answer for Rajaji? Right answer is Uttarakhand. So Uttarakhand will be correct answer for this particular one. ठीक है. The next one, Iravikulam National Park. So Iravikulam National Park. ठीक है. What will be your answer? Iravikulam National Park. So that is a part of. Yes, हाँ. Please guys, जल्दी से आपका आंसर करें. ठीक है, this is quite important one. ठीक है, so your answer will be Kerala. Yes, option A will be right answer for this one. So Iravikulam, that is a part of Kerala. Next one, okay, that's it. So guys, these are some top events for today's session and some questions from the statics. Even you can also mention after session कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको बेसिक आपका जो स्टैटिक जीके एंड अदर्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यू कैन आल्सो मेंशन योर रिक्वायरमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशंस. ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट पर्टिकुलर पार्ट. सो नेशनल डैम्स एंड इवन दैट नेशनल पार्क एंड अदर्स कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन किया था, सो आई केम अप विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. सो आप लोग भी आपका लिख सकते हैं. कैसा लगा सेशन, आफ्टर सेशन कॉमेंट्स के थ्रू लिखे जरूर बताएं. सो दीज आर सम टॉप इवेंट्स. इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो भी अपने स्टूडेंट्स एंड अदर्स, उनके साथ भी शेयर कीजिए. एंड एनटीपीसी का एग्जाम है आज. ऑल द वेरी बेस्ट जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी के लिए जाने वाले हैं. एंड गाइज,
वन थिंग अदर, सो जो भी पीडीएफ का जितना भी क्वेरी है जिन भी स्टूडेंट्स का, फॉर पीडीएफ यू कैन फॉलो दैट जीके एडिटोरियल का ग्रेड अप, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, सो जिसमें मैं आफ्टर सेशन इस पीडीएफ को पोस्ट कर दूंगा. ऑलराइट, सो फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस कोर्सेज यू कैन फॉलो और यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद ग्रेड अप सुपर. सो देयर आर सम इंस्टॉलमेंट प्लान एज वेल, जिसमें आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट प्लान्स को भी ऑफ कर सकते हैं. ऑल आइज गाइस, एंड देयर आर सम ऑनगोइंग कोर्सेज लाइक एसबीआई अप्रेंटिस, एसबीआई पीओ, एंड दीज आर, दिस इज द ओवरऑल लिस्ट. सो फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज यू कैन गो थ्रू बाय ग्रेड अप सुपर. ठीक है, ग्रेड अप सुपर से आप इन सभी कोर्सेज के अंदर या इन सभी कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. दिस इज द ओवरऑल शेड्यूल. सो अभी हम लोग दोबारा से मिलेंगे कितने बजे, 4 o'clock पे. सो मेरे बाद अगले आपका 10 o'clock पे क्लास होगी यस्ती मैम की, देन फॉलोड बाय अर्पित सर, देन आपका जतिन सर. ठीक है, सो और इवनिंग के अंदर आपको शिवा मैम मिलेंगे, इसके अलावा जतिन सर एंड अर्पित सर जो कि आपका इवनिंग के अंदर भी क्लास देखेंगे. ठीक है, यस हाँ. So if you have some queries, you can mention in comment section. Otherwise, we will wrap up this session. And guys, if you like this session, please do share with your friends as well. And जो भी आपका नए students हैं, again, those who are new to this particular channel, so please do subscribe and share, press the bell icon, जिससे कि आपको regular notification मिल सके. Yes, हाँ. Friends will definitely come with that particular session. But actually, friends. कैन यू प्लीज मैंशन दिस पर्टिकुलर वन आफ्टर सेशन, सो जिससे कि थोड़ा सा ना चीज़ें आपका रहता है. दिस टाइम अभी मेरा बहुत सारा एग्जाम होता है, सॉरी बहुत सारे आपका क्लासेस होते हैं, तो दैट इज स्किप हो जाता है. सो मैं इवनिंग में आपके कॉमेंट्स देखता हूँ, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, ऑलराइट. सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल. थैंक यू.